One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हमारे इस नोएडा में कोई ब्राह्मण भवन नहीं है। बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में अभी थोड़े ही देर में डॉक्टर महेश शर्मा जी उपस्थित होने वाले हैं। जब हम बड़े भाई साहब सुधाकर तिवारी जी कमल शंकर पाठक जी और हमने एस एस पांडे जी हमारे हरे शिष्य जी हम उनके यहाँ गए और हम लोग अपने पैदाओं के सामने कहा कि आप तो आप विधायक हो गए हैं, यहाँ पर एक प्रयास कर सकते हैं। हमारे सभी संसदीय कुछ ही समय में आने वाले हैं, उनकी भी यही कहना हमारे गवाह के रूप में हमारे भाई साहब को हर समय प्रेरित हमको करते हैं फिर सरकार जी कि धन की कोई कमी नहीं है, आप लोग लगिए और धन को जो बहुत मिलेगा पहले जमीन आप लोग लीजिए। हमारे बीच में भी महेश शर्मा जी नहीं आए, जिस दिन हम लोग गए उन्होंने कहा कि अभी जमीन लेने का आप लोग प्रयास करिए, 11,00,000 रुपये की चेक ऐसे ही। मेरा नाम सुरेश तिवारी। सर आज जो आपने यहाँ फंक्शन रखा है, जो प्रोग्राम रखा है, ये ब्राह्मण समाज सम्मेलन जो है, ये किसका उद्देश्य क्या है रखने का? देखिए, ये हम लोगों का पूरे इस उत्तर प्रदेश के जितने भी ब्राह्मण अलग अलग संगठन हैं उनको सभी को एकत्रित करना। इसमें जो मुख्य अतिथि कौन है? हमारे माननीय माता प्रसाद पांडे जी जो विधानसभा अध्यक्ष, वो किन्हीं कारणों से आज नहीं आए, वो अभी जो है सूचना अभी भी आएंगे और वो हमारे इस समय जो मुख्य अतिथि। ब्राह्मण की बात कहें तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि प्रमोशन में आरक्षण चल रहा है आज का और लोग बाग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक
कि ये बहुत ही जो है हमारे ब्राह्मण समाज या सवर्ण लोगों के लिए बहुत बड़ी अहितकारी होने जा रही है। इसको रोकने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितने भी हमारे विधानसभा में हमारे ब्राह्मण समुदाय के लोग खड़े किसी भी पार्टी में उनके ऊपर दबाव बनाने जा रहे हैं कि उनका विरोध करें किसी भी पार्टी से हो, और ये बहुत ही गलत है। हमारे पूरे ये वंशजों के लिए विनाशकारी जो है ये भारत सरकार की जो नीतियाँ होने जा रही है ये बहुत ही गलत है, और रोकने के लिए आज भी हमारे समाज में इस ब्राह्मण भवन में इस बात को उठाई जा रही है।